हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि धान की नर्सरी में मतलब धान के बिचरी में पीलापन आने के क्या कारण है और आप इसे किस तरह से आसानी से ठीक कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके भी धान की नर्सरी में पीलापन की समस्या है तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आपके धान में पीलापन आना स्टार्ट हो गया है और या फिर आप चाहते हैं कि आपके धानों में पीलापन की समस्या ना आए तो आपको किन किन गलतियों से बचना है, आज मैं इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। किसान भाइयों, मैं धान की नर्सरी के पीला पड़ने के कारण की बात करूं तो पहला कारण है मौसम के बदलाव। मतलब अगर आपके क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अचानक बारिश हो जाती है तो आपके धान की नर्सरी में पीलापन बढ़ने लगता है। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपको इस समय एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपको सुबह या दोपहर के समय आप अपने धान की नर्सरी में पानी डाल दें। किसान भाइयों, आप अपने धान की नर्सरी में पानी जब भी डालें तो वह शाम के समय ही डालना चाहिए। अगर आप सुबह या दोपहर में पानी डालते हैं तो ऊपर से पड़ रहे धूप के कारण वह पानी गर्म हो जाती है और फिर धान की नर्सरी में पीलापन बढ़ने लगती है। और किसान भाइयों, दूसरी कारण की बात करूँ तो दूसरी कारण है जिंक की कमी। किसान भाइयों, जिंक की कमी को दूर करने के लिए आप जिंक 33% का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरी कारण के बारे में बात करूँ तो आप अपने धान की नर्सरी को सूखने के लिए ना दें, आप उसमें हमेशा नमी बना कर रखें। किसान भाइयों, अब ऐसा नहीं है कि आपको अपने धान के नर्सरी में पानी लगा कर रखना। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्रों में गर्मी यानी धूप काफ़ी पड़ रही है तो आप उस समय क्या करें, शाम के समय पानी डालें खेत में और सुबह होते ही यानी 6 से 7 बजे के बीच आप उन खेतों में से सारा पानी निकाल दें और उन खेतों को सूखने के लिए दें। अगर आप पानी नहीं निकालते हैं तो धूप से वह पानी गर्म हो जाएगी और जैसा कि हमने बोला फिर आपके धान की नर्सरी पीली पड़ने लगेगी। और आपको इस समय एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपके अपने धान की नर्सरी में पानी देने के तुरंत बाद यूरिया डालें। किसान भाइयों, आपको पहले उनमें पानी सूखने दे, मतलब अगर आप शाम के समय पानी डालते हैं तो आप सुबह के टाइम उनमें यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, और एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप यूरिया का प्रयोग जब भी करें तो आप उनमें हल्की यूरिया डालें, ज़्यादा यूरिया के प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप इन सब गलतियों को नहीं करते हैं और आपके धान की नर्सरी में फिर भी पीलापन आ गई है तो आप उसे दूर करने के लिए एक मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है नर्सरी प्लस। साइटोजाइम का प्रोडक्ट है और किसान भाइयों, यह 25 ml प्रति टैंक की हिसाब से आप अपने धान की नर्सरी को स्प्रे कर दीजिए। और किसान भाइयों, इसका प्राइस की बात करूँ तो आपको यह 90 से 100 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। इनको स्प्रे करने का सही समय के बारे में बात करूं तो किसान भाइयों, आप धान की नर्सरी लगाने के 10 से 12 दिनों के बाद इनका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इनका दोबारा उपयोग करना चाहते हैं तो आप 1 हफ्ता के बाद दोबारा उपयोग इनका कर सकते हैं। इससे आपके धान में हो रहे पीलापन से बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा। और किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले खेती से रिलेटिव ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।